पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने रच दिया इतिहास, दर्ज की T20 की पहली जीत। मोहम्मद नबी के हर फतमोला प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में पहली जीत कर इतिहास रच दिया है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेला गया। इस मैच में राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 100 रन का आंकड़ा भी पार न कर पाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 93 रनों का लक्ष्य रखा। इस स्कोर को अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी की 38 रनों की नाबाद पारी के दम पर 17.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस मैच में नबी ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी चटकाए। उनको इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इस मैच से पहले पाकिस्तान का रिकॉर्ड 100% था, मगर 24 मार्च को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में हार का स्वाद चखा दिया है। बात करें मुकाबले की तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रूप और शाहीन अफरीदी की गैर मौजूदगी में PSL के बाद पहला मुकाबला खेलने उतरी पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। बाबर की जगह इस मैच में कप्तानी का जिम्मा सादाब खान ने उठाया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही पाक बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा हुआ था। पाकिस्तान ने पावर प्ले में अपने 3 अहम विकेट खो दिए थे, जिसके बाद टीम संभल नहीं पाई। पाकिस्तान के लिए 18 रन के साथ इमाद वसीम टॉप स्कोरर रहे। वही अफगानिस्तान के लिए फजहुल फारूकी, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी ने 2-2 विकेट चटकाए। वही अन्य गेंदबाजों को 1-1 सफलता मिली। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 92 रन बनाए थे। इस स्कोर का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने भी शुरुआत अच्छी नहीं की। पाकिस्तान की तरह उन्होंने भी पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए, मगर इसके बाद मोहम्मद नबी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल कर टीम को संभाला और छक्के के साथ जीत दिलवाई। नबी ने इस मैच में 38 नाबाद रन बनाए और इस तरह दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ पहला T20 मैच जीतकर अफगानिस्तान टीम ने इतिहास रच दिया है और अफगानिस्तानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी यह खेल बदल सकता है और किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है।